दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम अजय कुमार जंघेल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहां पास आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, जिनका बिजनेस जो ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, उसके पीछे एक लॉजिक है, कहीं ना कहीं वो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में वो लोग एक्टिव है। डेली दोस्तों 24 घंटे के अंदर में डेली आप अपनी कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, या कोई मोटिवेशनल लाइन या नंबर, दोस्तों कुछ भी चीज़ हो, वहाँ पास आपको डेली शेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डेली आप शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का पेज हो गया, फेसबुक का पर्सनल आईडी हो गया, और यूट्यूब चैनल हो गया, दोस्तों अगर इसमें आप डेली अगर एक्टिविटीज़ करते हैं या रहते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं से भारत के कोई भी अलग अलग स्टेट से आपके पास कॉल आते रहेंगे। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, दोस्तों मेरे पास दिन में लगभग दोस्तों कम से कम 20 से 25 30 कॉल डेली आते हैं। दोस्तों मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर व्यक्ति से मैं बात कर सकूँ। दोस्तों मैं रियली बता रहा हूँ, एक समय था लगभग एक साल पहले जब मैं इस चैनल का शुरुआत किया था अजय जंघेल, दोस्तों उस समय मतलब सोचता था कि काश मेरे पास भी बाहर से फ़ोन आते, लोगों से मैं बात कर पाता, लोगों को मैं कन्विंस कर पाता, तो अगर दिन में अगर एक दो फ़ोन आता तो भी बहुत है। दोस्तों ये मेरा माइंड सेट था कि कम से कम एक दो फ़ोन तो आ जाता, यूट्यूब से हो चाहे कहीं से भी सोशल मीडिया से हो। लेकिन दोस्तों जब मैं उस काम को जब मैं शुरुआत किया और जब उसको मैं सच में जब मैं उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आज मेरे पास कॉल इतना आते हैं, तो कई लोगों को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बात नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सभी से बात करना संभव नहीं है। तो दोस्तों वही चीज़ है कि आप भी लॉकडाउन में दोस्तों घर में बैठ के जो लोग अगर जिस एरिया में माहौल ज़्यादा ख़राब है, उस माहौल के जो भी फाइटर है दोस्तों, घर में ना बैठ के या घर में बैठ के टाइम पास ना करके दोस्तों हम एक सोशल मीडिया में कुछ एक्टिविटीज़ दिखाएं, कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए, जिससे दोस्तों आपका बिजनेस वहाँ से उठ सके और आपका जो बिजनेस का जो लेवल है, जो लेवल है वो मेंटेनेंस रह सके। दोस्तों वही बताना चाहूँगा कि आप फेसबुक का प्रॉपर उपयोग कीजिए, इंस्टाग्राम का उपयोग कीजिए। दोस्तों अगर आपको कैसे उपयोग करना है, किस प्रकार से उपयोग करना है, लोगों का फ़ोन हमारे पास कैसा आएगा, दोस्तों अगर यह सवाल अगर आपके अंदर हैं या मैं इस काम को कैसा करूं, चाहता तो मैं भी हूं कि सोशल मीडिया का मैं यूज़ करूं, लेकिन करूं तो करूं कैसे, दोस्तों यह अगर सवाल होंगे तो दोस्तों इसका सिंपल सा फंडा है। दोस्तों कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दोस्तों अपना जो एक्टिव अपलाइन है, दोस्तों चाहे कोई भी आपका अपलाइन है, चाहे मेरा दोस्तों फेसबुक का आईडी देख सकते हैं, अजय जंघेल नाम सर्च कीजिए खुल जाएगा, इंस्टाग्राम अजय जंघेल नाम लिखिए खुल जाएगा, और यूट्यूब दोस्तों यूट्यूब में अजय जंघेल नाम लिखिए वहाँ पास खुल जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब तीनों प्लेटफॉर्म में सेम नाम से रखा हूँ ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो सके। दोस्तों वहाँ पर देखिएगा यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है, यूट्यूब में वीडियो है, फेसबुक में अपना जो फोटो वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ अपना नंबर वगैरह डाल के, तो दोस्तों वहाँ से कोई ना कोई दोस्तों मुझे डेली फ़ोन आते हैं और डेली पूछते हैं, कोई प्रोडक्ट्स के लिए फ़ोन करते हैं, कोई ज्वाइनिंग के लिए फ़ोन करते हैं, और कोई कंपनी से जुड़े कोई अन्य सवाल के लिए फ़ोन करते हैं। तो दोस्तों ये होता है एक्टिविटीज़ का रिजल्ट। तो दोस्तों यह चीज़ को दोस्तों आपको करना कैसे है, अपना जो भी जो करेंट में जिसके माध्यम से आप जुड़े हो या जिसको आप फॉलो करते हो, उसका आप कॉपी करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल फॉर जैसे मैं अपने आपको ले रहा हूँ, दोस्तों जैसे कि आपको सीखना है तो दोस्तों मेरे देख सकते हैं कि फेसबुक में क्या चीज़ डालता हूँ, नंबर मेरा कैसा डालता हूँ, उसमें क्या लिख कर डालता हूँ फोटो। यूट्यूब में दोस्तों जो वीडियो बनाना भी आम बात होगा, नॉर्मल जैसे मैं शूटिंग करूँ अभी, इसके पास पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से नॉर्मल शूटिंग करके भी आप अपना नंबर वगैरह उसमें एडिटिंग करके आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कोई एक सोशल मीडिया में कोई व्यक्ति या कोई आपका पहचान का या कोई अपना आपका जो अपलाइन है अगर एक्टिव है और सेम टू सेम दोस्तों आप भी उसका नकल कर रहे हैं या सर से अगर गाइडलाइंस लेके पूछ रहे हैं कि सर मुझे भी इस प्रकार से फोटो तैयार करना है, सोशल मीडिया में डेली मुझे मतलब शेयर करना है, तो दोस्तों आप ऐसा एक्टिविटीज़ कीजिए और अपना बिजनेस को दोस्तों आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, आपका बिजनेस गिरने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों आज का मेरा जो जानकारी है, जो मुझे लगा कि अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए, सो मैं शेयर किया। दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली बार और कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।